Hello everyone, welcome to Neha's Creativity. Hope you all are doing well. आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना सोवेनियर कलेक्शन, क्योंकि मुझे सोवेनियर कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है. और अभी तक हम जहाँ जहाँ गए हैं तो वहाँ के सब सोवेनियर आपको दिखाऊंगी. और मैंने जब इटली का ट्रिप किया था तो उसका शॉपिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ से मैंने कौन कौन से सोवेनियर और क्या क्या लिया था, क्योंकि वो मेरा बीच में ही रह गया था. इमरजेंसी में इंडिया ट्रैवल करना पड़ा, तो आप लोगों को पता ही है कि जब वो मेरे व्लॉग्स रनिंग थे तब मैं इंडिया ट्रैवल करी थी, पापा क्योंकि एक्सपायर हो गए थे. और वहाँ इटली का इनफैक्ट एक व्लॉग और भी बाकी है, कैप्री का. वो तो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है इटली में, तो उसका व्लॉग मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई. पूरा एडिट है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन वो बस रह ही गया. तो अभी सोच रही हूँ कि अपकमिंग वीडियोस में उसको भी शेयर कर देती हूँ, तो आप देखना कितना ब्यूटीफुल है इटली में वो प्लेस. तो मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले अपनी जो मैंने इस बार यूरोप का ट्रिप किया उसकी, और पहले जब मैं इटली गई थी उसकी, और उससे पहले जब मैं यूरोप गई थी तब मैंने वहाँ से कौन कौन से सोवेनियर लिए थे. और दीदी ने हमें भी कुछ गिफ्ट दिए हैं, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी. तो सबसे पहले मैं आपको अपना सोवेनियर कलेक्शन दिखाती हूँ. तो मैंने अपने सोवेनियर्स ऐसे सब लगाए हुए हैं कि हम लोग सबसे पहले कहाँ गए, कैसे गए, तो वही मैं आपको अभी दिखाती हूँ. तो हम लोग जब यूके मूव हुए थे तो सबसे पहले हम लोग गए थे लंदन, तो वहाँ से हम लोगों ने ये लिया था वेस्ट मिनिस्टर्स का सोवेनियर. और मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी इनको देखते हैं तो याद आती है कि हम लोग कहाँ कहाँ गए. फिर मैंने ये मग लिया था, तो इस पर सभी कुछ अट्रैक्शन बने हुए हैं जो भी लंदन में हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे भी गए थे लंदन आई और लंदन ब्रिज, तो इस पर सभी कुछ बना हुआ है. तो उसके बाद तो हम लंदन एक बार और भी गए हैं, तो लेकिन ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम की हैं. और फिर उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था यूरोप, तो उसमें सबसे पहले हम लोग गए थे स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड के बाद फिर हम लोग गए थे बेल्जियम मेरी सिस्टर लोग के पास. और ये वाला जो सोवेनियर है बेल्जियम का, तो इसमें वो सब सिटीज़ हैं जहां हम लोग गए थे, ब्रूज गए थे, एंटवर्प गए थे, ब्रसल्स गए थे. जेंट हम लोग नहीं जा पाए थे. तो ब्रूज में मैंने आपको बताया था पीके की शूटिंग हुई है, तो ये वही प्लेस है. और ये एंटवर्प है, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जैन मंदिर है और बहुत ही बड़ा डायमंड मार्केट है यहाँ पे. और ब्रसल्स तो मैंने इस बार भी आपको घुमाया है अपने व्लॉग्स में, तो आपने देखा ही होगा. तो ये हमने वहाँ से लिया था, और बेल स्विट्ज़रलैंड, और ये जर्मनी क्लोन में हम लोगों ने लिया था. तो यहाँ पे रखती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि अनवित ने मेरा एक बार ये मग गिरा दिया तो तोड़ भी दिया. तो ये जर्मनी से हम लोगों ने लिया था, क्लोन का है, और उसमें मतलब क्लोन के जो भी अट्रैक्शन है वो सब हैं. और उसके बाद पेरिस में डिज्नीलैंड हम लोग गए थे, तो वहाँ लिया. एफिल टार गए थे, तो हम लोगों ने एफिल टार का सोवेनियर नहीं लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी जब वो गई थी. और स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में कुकू क्लॉक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो भी हम लोगों ने नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो क्योंकि वो भी मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी जब वो मेरे सिस्टर इन लॉ के पास घूमने के लिए गई थी. तो उसके बाद एम्स्टर्डम में जो क्लॉग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ के फेमस हैं, तो बेसिकली इनकी भी एक अलग से हिस्ट्री है, तो वहीं का ये सोवेनियर हैं क्लॉग्स. अगर आप एम्स्टर्डम जाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे. तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब मैं यही लेके आई थी, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ट्यूलिप्स नहीं लिए, तो इस बार मैंने ये ट्यूलिप्स लिए हैं वहाँ से. और ये वाला पोर्ट लिया है, तो इस पर पूरा वोल्डम का मैप बना हुआ है. सॉरी, वोल्डम में जितनी ही चीज़ें हैं, जैसे पिन, वहाँ पे ये विंड मिल वगैरह हैं, तो वो सब चीज़ें इसके ऊपर बनी हुई हैं. और वहीं पे ही हम लोगों ने ये वाली पिक्चर भी खिंचाई थी, क्योंकि ये वहीं के ही एक ही ड्रेस है जो लोग पहनते हैं, तो ऐसे हम लोगों ने ये वाली पिक्चर ली थी. तो इसमें सौरभ ने क्लॉग्स पहने हुए हैं, तो ऐसे कैमरे में थोड़ा सा ढंग से आ नहीं रहा शायद, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ. तो मैंने भी ऐसा ड्रेस पहना था, तो बहुत ही अच्छा लगा था उस समय. और अभी मैं जो दिखाऊंगी वो हमारे इस बार के ट्रिप के हैं. तो ये मैंने वेनिस से लिया था गंडोला राइड इटली में,
और ये वेटिकन सिटी और क्लोसियम, तो ये सब आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे, और आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर देखना, आपको अच्छे लगेंगे। और ये सब मैग्नेट्स हैं, ये डेविड म्यूज़ियम फ्लोरेंस में, और ये पिसा, और ये लिनिन टावर ऑफ पिसा, ये सब मेरे व्लॉग्स में हैं, आप देखना। ये हम लोगों ने मिलान से लिया था, मिलान का सोविनियर है, क्योंकि मिलान कैथेड्रल बहुत ही ब्यूटीफुल है। और फ्रिंज ये भी फ्लोरेंस का है, तो ये सब मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया है। ये भी पिसा का ही है, जहाँ पे लिनिन टावर है, और इटली में मतलब स्कूटर वहीं का ही है, तो एक सोविनियर ये भी लेके आई थी। और ये मैं इस बार लेके आई हूँ बेल्जियम से मैनिकन पीस, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है ये। और ये भी मैं इस बार लेके आई हूँ, ये मैंने एम्स्टर्डम से लिया है, वोल्डम का फोटो फ्रेम ऐसे, तो अनवित की मुझे इस बार पिक्चर मिली थी छोटे वाली, तो मैंने इसमें ये लगा दी हैं। और इस बार मैं लेके आई हूँ एम्स्टर्डम से ये, क्योंकि एम्स्टर्डम के जो घर हैं वो काफ़ी फेमस हैं, ये स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। और ये मैंने विंड मिल ली है, इनफैक्ट एक मेरी ये इसकी जो पंखुड़ी है वो टूट गई, तो बड़ा दुख हुआ। तो इनको भी मुझे लगाना है, लेकिन अभी मैं लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि अनवित का हाथ पहुँचता है फ्रिज तक और वो सब मतलब गिरा देगा, तो वही डर है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक मग टूट चुका है। तो मैंने अपने सब सोविनियर ऐसे लगाए हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसे लगे होंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। और ये सोलर ये है, मतलब अगर इसमें धूप पड़ेगी तो बहुत ही और अच्छे से ये हिलेगा गंडोला, तो अभी भी हल्का हल्का हिल रहा है, क्योंकि उतना ज़्यादा चार्ज नहीं है, यहाँ पे धूप नहीं आती है, आज थोड़ा सा सन है हल्का सा, तो उसके कारण थोड़ा सा ये ऐसे हिल रही है। तो ये है मेरा सोविनियर कलेक्शन, तो जो मैंने शुरू से अभी तक यूरोप में आने के बाद कलेक्ट किया है, और जैसे जैसे अभी आगे जाते रहूँगी सब कलेक्ट करते रहूँगी, क्योंकि मुझे सोविनियर कलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा शौक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने इटली से और क्या लिया था। तो इटली में आपको पता होगा हम लोग मुरैनो और बुरैनो गए थे वेनिस में, तो वहाँ का हम लोग भी आपने देखा होगा, तो वहाँ का ग्लास वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहीं से मैंने अपने लिए कुछ ऐसे नेक पीसेस लिए थे। तो अभी मुझे सामने यही दिखाई दिया, मैंने काफ़ी सारे लिए थे, लेकिन मुझे एक्चुअली यही सामने मिला, क्योंकि मैंने शायद कहीं रखे हैं इधर उधर, तो अभी एकदम मिले नहीं। तो जैसे जैसे मैं पहनते जाऊंगी वैसे मैं आपको दिखाते जाऊंगी। और एक मैंने ये वाली ऐसे वहीं से ग्लास की बीड की ये माला ली थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये। और मैं आपको बता दूँ, ये मैंने सब ओरिजिनल शॉप से लिया है, तो अगर आप लोग कभी वेनिस जाएं मुरैनो बुरैनो, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग वहाँ पे जो शॉप्स हैं उन्हीं से लें, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे शॉप्स रहती हैं, वो भी चीज़ें रखते हैं, तो वहाँ से भी मैंने एक लिया है, और वो कभी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दिखा दूंगी, क्योंकि आज मुझे पता नहीं, मैं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मैंने सेव करके रख दिया वो, तो ये एक्चुअली मैं इंडिया लेके गई थी, तो इसलिए सब सामने था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो उसका जो मिरर है वो एक तो ग्लास बहुत ज़्यादा हैवी है, और डिफरेंस पता चलता है, और इसमें जो पीछे है यहाँ पे स्टैंप भी लगी है मेड इन मुरैनो करके, उसके पीछे वो स्टैंप भी नहीं है, वो चीप है थोड़ा, तो इसलिए मन करता है कि चीप है ले लो, लेकिन क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप मतलब शॉप से ही लेना, भले ही दो पीस लो लेकिन आप शॉप से ही लो। तो अभी मैं हाँ, और मैंने ये फ्लोरेंस से लिया था, इटली की लेदर काफ़ी फेमस है, तो पूरा ये ऐसे मतलब बैकपैक की तरह है, और इसको अगर लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। और ये वाला जो बैग है वो मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि इटली में रोम में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा मतलब ये पिक पॉकेटिंग हुआ था मेरे साथ,
तो मेरा फोन था इसमें, तो जो भी मेरा जो फोन था वो ये वाली पॉकेट में था और बैग मेरे पीछे ऐसे था, तो मेरा न्यू फोन बिल्कुल जो सौरभ ने मुझे बर्थडे पे दिया था वो बच गया, बाकी इस पॉकेट में जितना सामान था सब चला गया और मुझे पता भी नहीं चला था। ये होती है हाथ की सफाई, तो इसलिए बैग मेरा बहुत ही ज़्यादा लक्की है कि इसने मेरा ब्रांड न्यू फोन बचा लिया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम लोगों ने चीज भी लिए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। एम्स्टरडैम के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने वहां से चीज लिए हैं, क्योंकि एम्स्टरडैम में चीज फैक्ट्री है वोल्डेम में, वहां पे चीज काफी ज्यादा बनता है और इतने सारे फ्लेवर्स थे चीज के, बहुत ही ज्यादा फ्लेवर्स थे और सौरभ को चीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के चीज लिए हैं। तो सौरभ इन कॉइन इनफैक्ट ओपन करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मैं एक बार अपने वीडियो में दिखा देती हूँ, तो फिर तुम तब ओपन करना। तो अगर आप लोग एम्स्टरडैम जाएं तो वहां से तो विंड मिल क्लोव्स और चीज और ट्यूलिप्स जरूर लेके आए, मतलब ये चीजें सोविनियर में और ये खाने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सिस्टर लो ने क्या दिया, उन्होंने मैक्रोन्स दिए थे, वो अल्टीमेट थे, वो तो हम लोग खा गए, वो आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, और भी मतलब खाने पीने की उन्होंने चीजें दी थी। बाकी गिफ्ट्स में उन्होंने अनवित के मतलब दो कार दी हैं, तो वो तो आपने मेरे क्रिसमस व्लॉग में देखा होगा जो उन्होंने अनवित को कार्स दी थी, तो वो मैं भी वापस नहीं दिखा रही हूँ। बाकी ये उन्होंने अनवित की ड्रेसेस दी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जंपर्स हैं सारे के सारे कलरफुल, और एक ही वाला पैंट दिया है उन्होंने, तो देखिए कितने ज्यादा सुंदर प्रिंट है इनपे, और सब कलर बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही प्यारे हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ उन्होंने मुझे क्या दिया। एक तो उन्होंने मुझे एक सीके का परफ्यूम दिया है, और सीके मुझे बहुत पसंद है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो अल्टीमेट होती है। और थैंक यू दीदी अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो। और मुझे रिस्ट वॉच दी है, क्योंकि शायद सभी को पता है कि मुझे रिस्ट वॉच के लिए मतलब मैं पागल हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे शौक है। और अल्टीमेट देखिए कितनी ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच है, और ब्रांड भी बहुत अच्छा है। मैंने शायद उल्टी रखी हुई है, जब पहनूंगी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और उन्होंने सब चीज़ें मेरी ही पसंद की दी हैं, उनको शायद पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है। और ये देखिए कितना सुंदर नेक पीस उन्होंने मुझे दिया है, बहुत ही सुंदर दिया है। और सौरभ को भी उन्होंने जंपर्स दिए हैं, तो वो सौरभ ने अपने पैक करके रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए, तो मुझे दिखे नहीं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है जाने दो, मैं अपनी शॉपिंग सॉरी अपने गिफ्ट्स दिखा देती हूँ आपको। तो ये थी मतलब मेरी गिफ्ट जो दीदी ने गिफ्ट दिए वो, और मेरी इटली की शॉपिंग जो मैंने की थी। तो एक दो पीसेज और हैं बुरानो से जो मैंने लिए थे, तो रिंग्स भी मैंने वहाँ से ली थी, तो जब जब मैं पहनूंगी, जब मुझे मिलेंगे, मैं कभी कभी क्या होता है ना अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा सेफ करके रख देती हूँ कि वो मतलब काफ़ी दिन तक मुझे नहीं मिलती। तो मेरे जो पापा हैं वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि अगर कोई चीज़ वो रखने के लिए बोलते थे तो वो मुझे ही बोलते थे, तो बोलते थे कि मतलब चोर पूरा घर में घूम जाएगा लेकिन चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ऐसे क्योंकि ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है एक आइडिया दे देती हूँ कि मतलब वहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है यूरोप में, और मैंने क्या क्या लिया। तो होपफुली आपको मेरा छोटा सा व्लॉग शॉपिंग व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों की इटली से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं जाने का, तो आप लोग मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, और फील फ्री आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा आइडिया दे सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोगों ने पूरा यूरोप और पूरा इटली जो भी प्लान किया हम लोगों ने खुद से किया, क्योंकि हम लोग टूर से जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन रहती हैं मतलब टाइम की, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है वो ऐसा बोलते हैं कि बस यहाँ पे फोटो खिंचा लो और चलो चलो, बट हम लोगों को वैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोगों को पसंद है कि एक अट्रैक्शन एटलीस्ट ढंग से तो देखें, अगर दो चीज़ कवर करें लेकिन वो ढंग से करें।
तो अभी इनफैक्ट मेरा ये प्लान है कि मैं मतलब जहाँ जहाँ मैंने घूमा है उसका एक छोटा सा इटनेरी बना के भी शेयर करूँ, ताकि मतलब काफ़ी लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि मुझे मेरे इटली वाले व्लॉग्स पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम लोगों ने अपना ट्रिप कैसे प्लान किया और क्या क्या हम लोगों ने वहाँ पे कैसे मैनेज किया। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स एवरीडे आ ही जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोमिनर्स का भी एक आइडिया दे ही दिया कि चलो ठीक है आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो बहुत बार हमें आइडिया नहीं होता है, लेकिन ये है कि हाँ मतलब देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। क्योंकि जैसे मैं क्लोव्स लेके आई थी लेकिन मैं ट्यूलिप्स लेके नहीं आई थी, और मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर पे देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा था कि जब भी मेरा नेक्स्ट टाइम जाना होगा तो मैं ट्यूलिप्स जरूर लेके आऊंगी। और मतलब भगवान की दुआ से मेरा सेकेंड टाइम जाना हुआ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में एक्चुअली आप बहुत रेयर होता है कि आप वापस प्लान कर लें एक जगह जाने में, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन लकली हम लोगों का सेकेंड टाइम प्लान हुआ और मैंने अपने वापस सोविनियर्स खरीदे। तो अगर आप लोगों ने मेरा एम्स्टर्डम वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप देखेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो हमारा यूरोप ट्रिप था इटली का भी और इस बार का तो था ही अमेजिंग, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया। तो बस ऐसे मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होती हैं, मैं अगर बातें करना शुरू करते हूँ तो फिर बातें 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 बस पूरा व्लॉग बातों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बस अभी के लिए मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही फिनिश करूँगी, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।